अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे की रोटी। तो मैंने ये एक कटोरी से पानी लिया है और वही कटोरी से राइस फ्लोर मतलब चावल का आटा लिया है। तो उसमें अब हम डाल देंगे ये 1/4 चम्मच नमक है और ये 1 टेबल स्पून तेल है। तो इतना में इसी पानी में ऐड कर देना है। पानी गर्म हो गया, अब गैस को बंद कर देते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसी में हम चावल का आटा डाल देंगे, पानी बहुत गर्म है, इसे चम्मच से ही करना है। अब हम इसको ऐसे ढक कर रख देना, इसको जब तक ये हाथ लगाने लायक नहीं हो जाए, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने इसे 5 से 10 मिनट ऐसे ही रखा था फूलने के लिए, ताकि ये आटा हमारा फूल जाए। सॉरी मैं बोलना भूल गई थी। अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। अब ये बहुत गर्म है, इसको अभी हाथों से नहीं गूंदना, जब ये ठंडा हो जाता है तो जब हम इसको हाथों की मदद से आटे को जैसे गूंदते इस तरह से इसे हाथों की मदद से इसे गूंद कर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हो गया अभी हाथ लगाने के लायक। अब आराम से हम इसे छू सकते हैं। थोड़ा गर्म में करना है इसे, बिल्कुल ठंडा होने के बाद नहीं करना है, नहीं तो ये बनेगा नीडो। अच्छी तरह फूल गया है ये। आटा इसे थोड़ा लगा लेते हैं। जितनी आपको पतली रखना है, झाड़ी रखना है, उस हिसाब से बनाइए। पतली बहुत अच्छी बनती है ये, किनारे तो थोड़े पट्टे ही, चावल की रोटी है ना। थोड़े हल्के हल्के हाथों से इसे घुमाइए, तो ये टूट सकती है जल्दी। ठीक है, टूट गई ना। इसको हल्के हाथों से ऐसे जैसे गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं। दूसरी भी पेट की बता रही हूँ मैं। बहुत ही आराम से बन जाती है ये, पतली भी बहुत अच्छी बनती है। महाराष्ट्र में बहुत पसंद की जाती है ये चावल की रोटी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। देखिए थोड़ी थोड़ी फूल भी रही है। ऐसे ही सेकना है इसे आँच पर, नहीं तो ये तवे पर वाइट वाइट ही लगेगी बनने के बाद भी। ऐसे सेकोगे तो बहुत प्यारा कलर आएगा रोटी का। ये फूल गई हमारी।
देखिए कितनी पतली और कितनी अच्छी बनी है। और एक आपको बनाकर बताती हूँ, अगर आपके पास कोई ढक्कन वगैरह है तो इसके ऊपर आप रख के कट कर लीजिए, बराबर आपकी रोटी गोल निकल आएगी। जैसे मेरे किनारे थोड़े जैसे फट गए हैं ना, तो आपकी रोटी एकदम गोल दिखेगी। देखो ये एक साइड से सेक गई थी, फिर भी वाइट लग रही है, ऐसे आप इसको आंच पर सेक लीजिए। इसे किनारे किनारे सेकते बिला, देखो कितनी बढ़िया सीकी है। आप इसको आपको तोड़कर भी बताती हूँ, गरम है जरा, कितनी अच्छी बनी है, पक गई ना। ये आप इसे भाजी से भी खा सकते हो, दाल से भी खा सकते हो। देखो कितनी पतली पतली और कितनी अच्छी बनी है, जैसे आपको खाना है वैसे खाइए, सॉस से, चटनी से, ठेचे से। चलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।